हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश का महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 50.45 या 53.23, 59.26 या 56.45। सही आंसर आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 59.26 या 59.3% महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की है 2011 के अनुसार। दूसरा प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो आपको बताते चलें कि अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार इसका दूसरा स्थान है, यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होता है, इसके पहले था पांचवा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर स्थित है? नरौरा, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या इनमें से कोई नहीं? तो गेस करिए आंसर आप लोग। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, कौशाम्बी। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश के जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर अशोक का शिलालेख और जैन के छठवें जो तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, इनका जन्म स्थान भी यही है, तो इसलिए यह जैन और बौद्ध धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर कानपुर? तो उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी? तो शीतला जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये झांसी में है, फोर्थ ऑप्शन सही है। झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है आपकी इलाहाबाद में, हमीरपुर के निकट या सहारनपुर, बिजनौर। थर्ड ऑप्शन सही है, सहारनपुर में यह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई थी? मथुरा से, इलाहाबाद से, मेरठ या फिर कानपुर से? इसका सही आंसर होगा मेरठ से, थर्ड ऑप्शन सही है। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है वो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ललितपुर, हमीरपुर कहाँ से है? तो ये है डोलोमाइट उत्पादन जो सबसे उच्च श्रेणी का है वो मिर्जापुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र राज्य में कहाँ पर है? मथुरा, औरैया, इनमें से कोई नहीं, सोनभद्र? तो जो ईरी है ये औरैया, ईरी औरैया में है, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ईरी औरैया में है। इसके अलावा गोरखपुर में भी स्थापित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो इसमें बताते चले कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सबसे अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश में लगती है। आप लोग मैप देखे होंगे तो क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ बताते चले अगर जो न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम सबसे सीमा किससे लगती है तो वो है हिमाचल प्रदेश। चलिए, और यूपी का सोनभद्र जिला ये चार राज्यों से मिलता है, सर्वाधिक चार राज्यों से, कौन कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर, रिहंद ताप विद्युत केंद्र इलाहाबाद, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली, सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना सोनभद्र? तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो वो है सेकेंड ऑप्शन, रिहंद ताप विद्युत केंद्र इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में नहीं है पहली बात, यह सोनभद्र जिले में है। आप लोग रेणुकूट नाम सुने होंगे, सोनभद्र के रेणुकूट में है, मतलब पीपरी गांव में है लेकिन रेणुकूट उसको बोलते हैं। रिहंद जो ताप विद्युत केंद्र है इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इस नाम से भी ये फेमस है। और यह सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद या रेणुका भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो रेणुका या रिहंद नदी पर स्थित है रिहंद ताप विद्युत परियोजना, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजघाट बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बिहार? तो इसको बताते चले कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये है किस नदी पर? तो ये भी बेतवा नदी पर ही स्थित है, ललितपुर में। इसका सही आंसर है फर्स्ट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर दिया हुआ है अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र, घाटमपुर परियोजना रमाबाई, पनकी ताप विद्युत केंद्र कानपुर या उपरोक्त सभी सुमेलित हैं? तो आपको बताते चले यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे सुमेलित हैं।
नेक्स्ट है, किस राज्य किस रेलवे का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? पश्चिम रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तर रेलवे? तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार उत्तर पूर्वी रेलवे का है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सोनभद्र, मेरठ, मिर्ज़ापुर या बरेली? इसमें से सही क्या होगा? तो आंवला जो ताप विद्युत परियोजना है ये बरेली में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? आपको बताना है इसमें 889, 894, 910 या 870। तो इसमें सही आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा, 894 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर, गोरखपुर, आगराबाद या इलाहाबाद में? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? बैगा, गोरखपुर, थारू, बांदा, बुक्सा, बिजनौर, भोटिया, बाराबंकी। इसमें से जो सही सुमेलित है वो थर्ड ऑप्शन है, बुक्सा बिजनौर में है। 14वीं शताब्दी में सार्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? शर्की किला, इसको शाही किला भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है? बदायूं, जौनपुर, मेरठ या फिर आगरा? तो सार्की सुल्तानों के द्वारा स्थापित जौनपुर में है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है।